आप सभी का एक स्टडी आई टी यूट्यूब चैनल पर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई थी, जिसका कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था और सभी कैंडिडेट्स यहां पे डीवी करवाने के बाद ज्वाइनिंग का वेट कर रहे थे। तो फाइनली यहां पे ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट जारी की जा चुकी है। उसके साथ साथ वहां पे जो शॉर्टलिस्ट किया गया कैंडिडेट्स को, उनका यहां पे जो कट ऑफ परसेंटेज है, कितने परसेंट पे आपका रेलवे अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन हुआ है, वो भी जारी किया गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए। आप लोग भी इस लिस्ट में अपना नाम चेकआउट कर सकते हैं, साथ में इस लिस्ट को आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम शेयर कर देंगे, या यह ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, इस पर क्लिक करके आप भी डाउनलोड कर सकते हैं इसे। तो क्या करना होगा, जो कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन्हें कैसे होगा आगे का प्रोसेस फर्दर, एंड कितने परसेंट पे सिलेक्शन हुआ, सब कुछ देखेंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा सब तक पहुँचाने के लिए, एंड साथ में चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। यहाँ पर आइए इस लिस्ट को ओपन करते हैं एंड देखते हैं। जैसे इस लिस्ट को आप ओपन करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे 22 मई की डेट की लिस्ट आपको इसमें दिख जाएगी, जो कि SER कोलकाता की तरफ से जारी की गई है। एंड इसमें आप लोग अपना नाम सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि स्कैन्ड कॉपी नहीं है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स अगेंस्ट नोटिफिकेशन नंबर दिस एक्ट अप्रेंटिस फॉर इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस ओवर साउथ ईस्टर्न रेलवे। ये इंगेजमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं है। इसमें देखिए लिखा हुआ भी है कि नोटिफिकेशन आया था जिसमें जो एप्लीकेशंस थे, ठीक है, एंड उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद प्रोविजनल लिस्ट एक तैयार की गई है, ठीक, फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट डिवीजन्स यूनिट एज पर द आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन। द लिस्ट इज प्योरली प्रोविजनल, सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ क्रेडेंशियल बिफोर द ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट एट द मटेरियल टाइम। द कैंडिडेट्स मे कॉन्टैक्ट द कंसर्न यूनिट फॉर विच दे हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए इसमें लिखा गया कि अब आपको क्या करना है कि जिस यूनिट में आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं वहाँ आपको कॉन्टैक्ट करना है, फिर आपको वहाँ पे जाके ज्वाइन करना है, क्योंकि ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे आपको नहीं दी गई है, ठीक है। जैसे यहाँ आप देखिए कैरिज एंड वैगन डिपो आद्रा में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, फिटर के कैंडिडेट्स हैं, तो आपको इस यूनिट में जाके अब कॉन्टैक्ट करना होगा अपनी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ के लिए। तो फिटर में अगर आप देखें डेट यहाँ पे, तो OBC कैंडिडेट्स हैं जो कि पूरी तरह से अनरिजर्व में सेलेक्ट हुए हैं। ऐसा होता है, अनरिजर्व कैटेगरी में सभी कैंडिडेट सेलेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए पूरे OBC कैंडिडेट्स टॉप में अनरिजर्व में सेलेक्ट हुए हैं, 87.14, 87, 86, 86 इस तरह से कट ऑफ गई है। फिर जनरल कैंडिडेट्स एक अनरिजर्व में सेलेक्ट हुआ जिसका यहाँ पे कट ऑफ है 85.57। फिर बाकी पूरी सीट आप देखेंगे तो OBC कैटेगरी यहाँ पे अनरिजर्व में फाइट कर गई है। जिस तरह हम कहते हैं ना बार बार कि अनरिजर्व कैटेगरी में सभी फाइट करते हैं, कई बार आप लोगों को लगता होगा ना कि OBC का आरक्षण 27% है, अनरिजर्व जो 50% होता है उसमें OBC, SC, ST सब फाइट कर सकते हैं, बशर्ते आपका परसेंटेज या नंबर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप फिटर के कैंडिडेट्स का देख सकते हैं, कट ऑफ आपको दिख जाएगा, ठीक है। अगर आप देखें फिटर में तो लोएस्ट जो कट ऑफ है SC कैटेगरी में 72 पे भी सिलेक्शन हुआ। कई बार आप लोग कहते हैं सर इतना कम परसेंटेज होगा कि नहीं, तो ये देखिए ना आप, OBC में 76%, 78%, इवन अनरिजर्व में 79% तक पे भी सिलेक्शन हो गया है, और ये फर्स्ट लिस्ट है, इसके बाद हो सकता है और डाउन जाए। वेल्डर में अगर आप देखें तो वेल्डर में और कम कट ऑफ गई है, 60% पे भी ST कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, SC भी 64 पे सेलेक्ट हुए, OBC 62-65 पे भी सेलेक्ट हुए हैं, अनरिजर्व 69% पे सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह फिर आप नीचे फिटर देखेंगे, ये है आपका चक्रधरपुर का, वो आद्रा था, ये चक्रधरपुर है। फिर आप चक्रधरपुर के जब नीचे आएंगे तो आपको खड़गपुर मिलेगा, खड़गपुर के बाद आप नीचे आएंगे रांची होगा, बोकारो स्टील सिटी होगा, इसके बाद आपका बोंडा मुंडा होगा, नेक्स्ट आप आएंगे, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं पूरा BKSC फिर से है, तो अपना नाम आप लोग चेक कर लीजिएगा। टोटल ये 15 पेज की लिस्ट है जिसमें 665 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। बाकी और भी DV की सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी एंड उसमें फिर से ज्वाइनिंग लिस्ट आएगी, उन सब के बारे में भी हम आपको अपडेट जरूर देंगे। आप लोग अपना कमेंट करके बताएगा आपका इसमें सिलेक्शन हुआ या नहीं, एंड जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ आपको कंसर्न यूनिट में अब कॉन्टैक्ट करना होगा। आपके पास कॉल लेटर भी आ सकता है, मेल भी आ सकता है, या आप कोशिश करिए रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स निकलते हैं, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के बात कीजिए, या तो फिर आपको वहाँ पर जाना होगा रिपोर्टिंग के लिए। तो आप कोशिश करिए विद इन 1 वीक अपना शेड्यूल बना लीजिए कब आपको जाना है, सारी तैयारी के साथ जाइएगा, क्योंकि ये ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट है। अगर आप वहाँ ज्वाइन कराए जाते हैं तो उसके बाद आपको वहीं पे रुक के 1 साल तक रेलवे में अप्रेंटिसशिप करनी होगी एंड आपको काम करना होगा। बेनिफिट की बात करें तो अब अप्रेंटिसशिप में जो 3 फायदे थे उसके अलावा एक चौथा फायदा भी जुड़ गया है। तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पर कुछ और ना कर रहे हों, अप्रेंटिसशिप करना चाह रहे हो, तो आपको कर लेना चाहिए अप्रेंटिसशिप। पहले तो आपको 20% रिजर्वेशन मिल जाएगा,
जो पीईटी है उसमें छूट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा 1/3 का आपको वेटेज मिल जाएगा, ठीक है। अप्रेंटिसशिप की मार्कशीट हम आपको जल्दी एक वीडियो के साथ शो करेंगे, कैसे वो होती, कैसे आपको नंबर्स मिलते हैं, कैसे उसमें से जोड़ के ग्रुप डी में आपको फ़ायदा दिया जाता है। चौथा आपका ये 1 ईयर का एक्सपीरियंस काउंट होगा। अब आप सबको पता है कि अप्रेंटिसशिप 1 ईयर की जो होती है आईटीआई के बाद, वो 1 साल के एक्सपीरियंस के भी इक्विवेलेंट होती है, तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी वो माना जाएगा अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं उस केस में। तो यही थी जानकारी, उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते हुए जाइएगा, और टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा, सभी तरह की अपडेट इन्फॉर्मेशन और PDF हम वहाँ आपके साथ शेयर करते रहते हैं। थैंक यू।